हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दिस साइड जीसीपी आजाद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया मस्त ठीक ठाक। तो अभी एक दो दिन से हम लोग थोड़ा ज़्यादा बिजी थे क्योंकि मुझे चाहिए था रूम ढूंढना था, फिर रूम शिफ्ट करना था। तो इन सब सारे इशू के कारण हम थोड़ा सा मतलब अभी एक दो दिन ये नहीं दिखा पाए कि कहाँ पर रूम मिला, ये सब नहीं दिखा पाए हैं। तो फाइनली आज से हमारा कॉलेज फिर से स्टार्ट हो रहा है और मैं आज से कॉलेज आना फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज से हमारी फिर से ब्लॉगिंग सेम कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए अभी चलते हैं कॉलेज, फिर मैं लौटते समय बताऊँगा कहाँ पर रूम है हमारा, क्या कुछ है सारा कुछ। तो पहले अभी चलते हैं कॉलेज, देखते हैं कौन सी क्लासेस लगती हैं, सेकेंड ईयर है। तो चलिए चलते हैं पहले कॉलेज में, मिलते हैं दोस्तों से, काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं, सो मिलते हैं फिर। सो गाइस, फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कॉलेज और ये देखिए काफ़ी दिनों बाद है, कम से कम 3 महीने बाद आज हम कॉलेज आए। 3 महीने नहीं, 2 महीने, 2.5 महीने के आसपास हो चुका है। 3 महीने तो नहीं हुए पर 3 महीने होने वाले हैं। सो चलते हैं, अभी थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है हमारी 10-15 मिनट में। तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि आज हमारा दिन कैसा रहा। फर्स्ट डे सेकेंड ईयर, देखते हैं पास भी हुए हैं हम कि नहीं। अभी ये भी नहीं पता है कि हम पास हुए हैं कि नहीं हुए, फेल हैं या पास हैं या बैक है, जो भी होगा मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्लास तक पहुँच के। उसके बाद मैंने रिजल्ट भी नहीं अपने चेक किया। तो चलिए अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या कुछ है। तो फिलहाल तो अभी हम यही मान के आए हुए हैं कॉलेज के हम पास हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो पहले चलते हैं क्लास अटेंड करते हैं, फिर दिखाते हैं। कोई नए टीचर भी आए हैं, उनसे भी इंट्रो नहीं करवा पाएंगे बट नाम ज़रूर बताएंगे आपको अगर हो सकेगा, क्योंकि टीचर्स हैं तो थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग, थोड़ा डर तो है, बाकी सीख है। तो मिलते हैं फिर। तो ये है हमारी आज की प्रैक्टिकल क्लास, पहली चल रही है, अभी बॉटनी का है। तो ये देखिए आज सबको मिल रहे कवर स्लिप एंड स्लाइड्स वगैरह, तो वही ले रहे हैं सब लोग क्योंकि कल से होना है प्रैक्टिकल। तो देखते हैं आगे। सो गाइस, तो अभी पहली क्लास हमारी फिनिश हो गई थी और प्रैक्टिकल था तो, लेकिन चला नहीं। फिलहाल तो अभी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और शायद हम पास हो गए हैं। मैंने उस पर लिखवा दिया है, अटेंडेंस शीट में अपना नाम लिखवा दिया है और सब सही है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो अभी दूसरी क्लास लगने वाली है, अब लगेगी कितनी देर में लगती है देखते हैं, जो भी होगा। तो फिलहाल तो अभी नहीं लगेगी, मतलब 15-20 मिनट तो अभी लगेंगे क्लास स्टार्ट होने में। तब तक अभी मज़े करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे क्लास के बाद, देखते हैं कौन क्लास लेने वाला है दूसरी। सो मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली अभी हमारे अपनी क्लासेस सारी ख़त्म करके वापस जा रहे हैं अब हम घर अपने रूम की तरफ। देखते हैं, चलते हैं रूम में। क्लासेस आज 3 चली हमारी, सॉरी 3 कहाँ से चली, एक तीनों नहीं चली। देखो पहले चली हमारी जूलॉजी, देन उसके बाद चली हमारी फिर चली केमिस्ट्री, उसके बाद एक और क्लास थी जिसका वीडियो मैंने क्लिप थोड़ी सी बनाई है तो वो आप देखिएगा ज़रूर। सो फाइनली अभी मैं पहुंचने वाला हूँ रूम पे अपने, और बस पास में ही है, सोसाइटी अच्छी है इस बार की, और चलते हैं। तो इस बार की, पिछली बार थोड़ा सा मतलब अंदर था लेकिन इस बार खुले में है पूरा। तो चलते हैं रूम पर, खाना पीना बनाते हैं, देखते हैं बाहर खाएँगे जो भी होगा। सो मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली अभी हो चुका है हमारा खाना पीना फिनिश और हम आ गए थे छत थोड़ी सी धूप लेने, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है। और अभी बज रहे हैं 3 क्योंकि कॉलेज की छुट्टी हुई थी हमारी 1 या 1:30 बजे के आसपास, फिर आए और खाना बनाए खाए। तो अभी बज गए हैं 3, थोड़ी देर लेते हैं छत में धूप, उसके बाद चलते हैं नीचे। तो ये दिखा देता हूँ छत एक बार, काफ़ी बड़ा है, पिछले वाले रूम से बड़ा है और छत भी और रूम भी। इस बार हमें किचन भी मिल गया है तो सही है। तो जो हम लोग का थोड़ा बहुत रूम गंदा वंदा होता था वो नहीं हुआ करेगा। हाँ,
तो अभी चलते हैं नीचे थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर धूप लेते हैं, फिर जब जाएंगे बाहर साइड कुछ थोड़ा सा दिखाएंगे मार्केट वगैरह, जो भी होगा जैसा भी होगा। अभी तो आप लोग का देखा हुआ है, लेकिन हम क्या कुछ तो मिलते हैं फिर बाद में। अभी बज रहे हैं रात के 9:30, और हम बाहर नहीं मतलब गए थे थोड़ा सा ही, लेकिन वापस आ गए थे जल्दी ही। तो अभी चलते हैं रूम पे और पढ़ाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, खाना पीना खा लेते हैं। और आज से हमने टिफ़िन भी लगा ही लिया है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है कल से। तो फ़िलहाल चलते हैं रूम पर और खाना पढ़ाई करते हैं काफ़ी देर तक, 10-11 बजे तक, उसके बाद सोएंगे। तो मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग में नई मॉर्निंग के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नई मॉर्निंग के साथ कल के दिन। तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सो बाय।